है, ये शेष है ना एक्सपायरी डे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए गामा प्ले। आपको पता है गामा का क्या रोल होता है एक्सपायरी के दिन? बहुत ही कम लोग इसकी चर्चा करेंगे, यूट्यूब पे आपको कहीं चर्चा नहीं मिलेगी गामा प्ले की, बहुत हिडन ये चीज है। तो मतलब जो चार अपने ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा, ठीक गामा। है। तो गामा का जो रोल होता है ना बहुत मतलब लिमिटेड होता है, बहुत मिनिमम होता है, लेकिन जिस टाइम एक्सपायरी आती है तो इसका मेन रोल आता है लास्ट के 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, बहुत अच्छा रोल आता है। डेल्टा, डेल्टा का सपोर्टिव पार्ट है ये। डेल्टा अपने नेक्स्ट मतलब स्ट्राइक पे कितना मूव करेगा या ऊपर कितना नीचे कितना जाएगा ये गामा डिसाइड करता है, ठीक है। और थेटा और थीटा और वीगा, इनका तो रोल रहता है जैसा वैसा ही रोल रहेगा, लेकिन मेन रोल जो स्टार्ट होता है एक्सपायरी के लास्ट टाइम में वो गामा का होता है। यहाँ पे 20 रुपये की चीज़ 60 रुपये की हो जाएगी, 100 रुपये की हो जाएगी, 200 रुपये भी हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो है ना वेगा का और थीटा का इनका खेल नहीं है, ये गामा का खेल है, कम्प्लीटली गामा। इतना जल्दी जल्दी स्ट्राइक को वो मतलब देखो थीटा दिखे हो रहा है वो चीज़ भी है, वेगा भी अपना प्रभाव डाल रहा है, लेकिन गामा का प्रभाव बहुत तेजी से रहता है। तो हम ये गामा प्ले के बारे में बात कर रहे हैं, और कब करना चाहिए, जो चीज़ दुगना तिगुना हो रही है एक्सपायरी के दिन वो क्यों हो रही है, गामा की वजह से हो रही है। तो उस चीज को हम देखेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक इमेज भेजी थी, शायद ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली इमेज अब मॉर्निंग में डाली थी मैंने गामा प्ले के लिए, पीछे कोई एक्सपायरी की थी तब मैंने आपसे पूछा था, तो कोई इसको समझ पाया कि इसमें क्या गामा प्ले कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, अगर कोई कुछ बोल सकता हो इसको समझने वाला, कहाँ कर सकते हैं? कोई नहीं बोल रहा अभी, किसी का को मतलब किसी को कुछ बोलना है इस इमेज में? मैंने मॉर्निंग में इसलिए भेजी कि आप अच्छे से देख लो, मैं और भी एक्सपायरी की इमेजेस दूंगा, लेकिन अगर देखो थोड़ा डिस्कशन वाला पार्ट बनाओ इसको आप, ठीक है। मजा मतलब मजा तभी आता है जब आप डिस्कशन करते हो, ठीक है। हमें एक परफेक्ट जगह, शोर बंद कर दो, ये बोलना होता है बंद करना। एक्सपायरी के दिन हमें एक परफेक्ट प्लेस ढूंढना होता है जहां हम अगर एंटर करते हैं मतलब उस ड्यूरेशन में 2 से 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो उस 2 से 5 मिनट के अंदर मार्केट में थीटा और वेगा इतना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। ये मान लो कि आपका कोई प्रीमियम है 20 रुपया, हो सकता है टूट के वो 2 रुपये टूट जाए, 3 रुपये टूट जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ से मोमेंटम आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है तो हम वहाँ से वो चीज़ उठाते हैं। अगर हम गलत होते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये देंगे, और अगर हम सही होते हैं और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी फिट हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हम उसमें एड ऑन करते हैं तो वो प्लेस हो जाता है, ऐसा पैनिक प्लेस होता है जहाँ से मूवमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उस पे टाइम वाइज खेलोगे मतलब 10 से 5 मिनट के लिए आपने वो मतलब एक वो जगह आपने रेंट पे ले ली, क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो ना, थीटा पे कर रहे हो, और आप बाइंग करोगे तो आप अच्छा रेंट पे करोगे बायर हो तो आपने ये समझ लो कि आपने इस प्लेस पे कुछ देर के लिए आपने रेंट ले लिया कि आप सोच रहे हो कि इस टाइम से मार्केट बाहर निकलेगा, तेजी से कहीं ना कहीं मूव करेगा। तो आप ये सोच लो कि वो स्लॉट आपकी 15 मिनट की है, 15 मिनट में आपका कितना प्रीमियम ले सकता है और अगर आपके फेवर में हुआ तो कितना दे सकता है, ठीक है। आप उसमें प्राइस वाइज भी ये चीज तय कर सकते हो। अब देखो इस इमेज में गामा प्ले क्या है, गामा प्ले का मतलब एक वो एरिया हम डिसाइड करते हैं जिसमें मोमेंटम बड़े आने की संभावना रहती है, ठीक है, बड़े मोमेंटम एक छोटे से टाइम स्लॉट में। यहाँ मैं ब्रेकेट प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकेट प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम प्ले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा टाइम के अकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे, ये नहीं कि हम लेके बैठे रहेंगे उसको जीरो करेंगे, नहीं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर किसी को भी कन्फ्यूजन और दिक्कत हो मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब पूरे दिन से मार्केट चल रहा था, ये हम लास्ट के सेशन लास्ट के टाइम पे हम ये चीज करेंगे, और ये क्विक होती है, मार्केट को रुकने नहीं देंगे, जैसे कोई टाइम वाइज रिट्रेसमेंट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं फेस करेंगे, हमने वो वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना है मतलब मोमेंटम को ट्रेड करना है, ठीक है। तो
यहाँ तक तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, 11-12 बजे तक मार्केट को रेडी होने थे, 12 से 2 बजे के बीच में हमें कोई ऐसा प्लेस, ऐसी जगह, ऐसा स्ट्रक्चर, चार्ट का स्ट्रक्चर जो मजबूती से एक ट्रेपिंग, जिसमें एक ट्रेप भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ में देख के हम लेंगे। जैसे इस चार्ट में मैंने लिया, मैं कोई और भी चार्ट शेयर करूंगा आगे। इस चार्ट में देखो एक वेज पैटर्न दिख रहा है, यहाँ वेज पैटर्न को थोड़ा सा ट्रेप किया गया है, फिर मार्केट ऊपर निकला, इसको ऊपर की साइड ब्रेक किया है, ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, इसको भी ब्रेक कर दिया। जो लोग बाई के लिए फिल्टर करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ कुछ लोग बाई करेंगे, कुछ यहाँ बाई करेंगे, कुछ इसके ब्रेकआउट के बाद में बाई करेंगे। अब हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं, डायरेक्टली हम किसी भी पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे इधर ब्रेक हो चाहे उधर ब्रेक हो, हम पैटर्न में पैटर्न की ट्रेपिंग देखते हैं, हर पैटर्न की एक ट्रेपिंग है। आप अगर वेज पैटर्न की बात करोगे तो मैं वेज पैटर्न की MTF के अकॉर्डिंग भी ट्रेपिंग बताऊंगा, इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रेपिंग होती है। अगर मैं वेज पैटर्न की एक ट्रेपिंग आपको दिखाऊं, देखो बहुत सारी इमेजेस हैं मेरे पास, ये एक वेज पैटर्न की ट्रेपिंग है। आपने अगर मेरे लाइनों वाले कॉन्सेप्ट को देखा होगा कि ये लाइन कौन सा कलर है, ये MTF की लाइन है, ठीक MTF है, ये कलर मेन किसका है, ट्रेडिंग ये कलर वेज का कलर है, ये वेज पैटर्न, ठीक पैटर्न वेज पैटर्न है, ये डिवाइडर है, ठीक है, ये फिबो है, ये शायद बड़े टाइम का फिबो होगा, ये छोटे छोटे उस टाइम दौरान जो ट्रेडिंग करी वो फिबो बने होंगे, तो ये एक वेज पैटर्न था, ठीक है, वेज पैटर्न आ रहा था, पूरे दिन की ये ट्रेड लाइन है, पूरे दिन से यहाँ से भी ये ट्रेंड लाइन है। अब वेज पैटर्न को तेजी से मार्केट ने यहाँ से कवर जोन की स्पाइक देते हुए, आप समझो ये कवर जोन की स्पाइक है, कवर जोन की स्पाइक देते हुए तोड़ा, यानी कि इतना जोन तो कवर है, ऑलरेडी कवर्ड है, यानी कि मोर देन 60-70% तो जो दौड़ है वो वही स्पेस यूज किया है मार्केट ने, जो कि उसने ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसके बाद में इसने तेजी से तोड़ा, तो ये बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और जस्ट उसके ऊपर अपने को एक बैरियर मिलता है जो मार्केट को रिवर्स कर सकता है। तो मैं इसको बोलता हूँ अपनी विधि में, अगर आप देखोगे तो WTMTF बोलते हैं, क्या एक बड़ा बैरियर आ रहा है और बड़े बैरियर से एक छोटे पैटर्न को, इंट्राडे पैटर्न को ट्रेप किया जा रहा है, आप समझो इस पैटर्न सर वो को। कवर एरिया के थोड़ा बताए सर। कवर एरिया ये होता है, देखो मार्केट एक ट्रेवल करता है, धीरे 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 एक ट्रेवल कर रहा है अपने, तो इसमें बीच में एक स्पेस बना लेता है, ठीक है, ऐसे स्पेस में, हाँ ओके उसी ओके स्पेस को अगर वो तेजी से यूज करता है, उस स्पेस को यूज करता है जो कि मार्केट कवर कर चुका है, और वो यूज दे करता है फॉर ग्रीड, ग्रीड देने के लिए, जैसे कि इसने भी ये स्पेस यूज बनाया था, ऊपर की साइड भी देखो एक स्पेस बना हुआ है ना, अगर आप देखोगे तो ये स्पेस, मार्केट ने कोई नया नया नई फील्ड अचीव नहीं करी, मार्केट ने वही कवर, और उसी कवर के आसपास देखो ये इंट्राडे अपने को रेसिस्टेंस मिल रहा है, MTF अपने को रेसिस्टेंस मिल रहा है, इसी के साथ में इंट्राडे का वेज पैटर्न ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कवर स्पेस की स्पाइक मार के वो यूज कर रहा है। देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये बहुत ज्यादा ग्रीडी कैंडल है और बहुत ज्यादा डेंजर कैंडल होते हैं, आप ध्यान रखना इसको, धीरे 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 धीरे, और जहाँ यहाँ पे देखो जो ये सेलर थे, मैं कहता ना फोमो तैयार करता है मार्केट, तो देखो सेलर को कितना इजीली इनवाइट किया गया, इस जगह देखो आप आराम से गिरता जा रहा है, ये लेवल तोड़ा, ये लेवल तोड़ा, और उसके बाद में ये वाला भी वो तोड़ता हुआ दिखाई दे, उसके बाद में जस्ट, अब ये क्या काम होता है, जो फोमो क्रिएशन होता है ना, जैसे मार्केट में गया कि सेलर यहाँ सेफ नहीं है, तो अगली बार वो सेलिंग करेंगे ना, उससे पहले सेफ होना चाहेंगे थोड़ा सा, मतलब ये कोशिश करेंगे कि मैं अपने आप को, मतलब थोड़ा सा देख के सेल करूँ एक जगह को देख के, तो उस उनको ये मार्केट नहीं मिलेगा दोबारा सेलिंग करने के लिए, मार्केट यहाँ से स्पाइक मारेगा फिर उनके हाथ से निकल गया मार्केट, लगभग निकल गया, वो यहाँ यहाँ नहीं पकड़ सकते, और जो यहाँ पकड़ेंगे बहुत ज्यादा मतलब रेटें हैवी हो जाती है, लेकिन समझदारी से पकड़ने के लिए ये भी एक्सपायरी के डे का है शायद ये चार्ट, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं पहले से तैयारी करते हैं कि ये जो स्पेस है, जो स्पेस क्रिएट हो रखा है एक MTF और इंट्राडे पैटर्न के बीच में, तो ये एज ए ट्रेप यूज हो सकता है, तो हमें निशानियाँ क्या मिलेंगी कि कवर जोन की दौड़ है 60%, उसके ऊपर कोशिश करी गई है, इंट्राडे का एक सपोर्ट आ रहा है, तो हम कहाँ प्ले कर सकते हैं, हम कह रहे ना एक टाइम प्लेस के लिए हम कोई भी चीज खरीदेंगे, जैसे मान ले 20 रुपए की कोई आपने पुट खरीद ली, अब वो यहाँ कितना टूट सकती है, ऑलरेडी इतना स्पाइक मारा है और आप पुट खरीद रहे हो, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा टूट चुकी है, वॉलेटिलिटी उसको उसका काम कर चुकी है, लेकिन गामा का काम बाकी है, अब गामा का काम शुरू होगा, आपने यहाँ 20 रुपए की पुट खरीदी, आप ये देखो यहाँ क्या करेगा, ये इंट्राडे नहीं है, MTF का ये फिबो है, तो देखो यहाँ तक आया जस्ट यहाँ,
ये वाला अपना पैनिक बन गया जो मैंने रेड बना रखा है, यहाँ पैनिक बना, वैसे ये पैनिक ऊपर खिसक गया क्योंकि एस एल यहाँ से यहाँ स्पेस बढ़ गया था उस टाइम, ये पैनिक था तो ये यहाँ के एस एल और यहाँ के एस एल खा गया, तो ये अपना पैनिक प्रेशर पॉइंट हो गया। जैसे ये लेवल कटे तो बहुत सारे एस एल कटे तो मार्केट ने और स्पीड दिखाई, तो ये होता है गामा प्ले। गामा प्ले के लिए हमें बहुत ही समझदारी से काफी सारी चीजें मैच करके वो जगह ढूंढनी होती है जिस जगह के ऊपर हम मतलब परफेक्टली शॉट खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसी इमेज में मैंने क्या बताया, सेम ऐसा सा ही कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वेज पैटर्न है, वेज पैटर्न में फोमो क्रिएट किया गया, मार्केट ऊपर की साइड गया, मार्केट ऊपर की साइड गया, ये वाली रेंज भी ब्रेक करी। और मैं ट्रिपल टेप की बात करता हूँ, देखो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है, तो तीसरे स्टेप के बाद में मार्केट के चांस हैं गिरने के, और वहीं पे ये एम शेप बना रहा है, लगभग ये डबल टॉप के जैसा ही बना, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। लेकिन गामा प्ले में तो हम सिर्फ हम टाइम और थोड़ी जगह को रेंट पे लेते हैं कुछ देर के लिए, आपने 20 रुपए में वो रेंट पे ली है, ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा, लेकिन आपने वो प्लेस यूज लिया, टाइम यूज लिया, उसी के आज में आप फेवर में आ गए, आपका एस एल सेफ हो गया, आपने यहीं से 20 से 40 कर लिया होगा, तो आप मतलब सेफली अपना एस एल ट्रेल करके अपने प्रॉफिट में रख सकते हो और मजे लो इसका। फिर आप पैनिक प्रेशर एरिया ढूंढो, पैनिक प्रेशर एरिया ये है क्योंकि इसके बाद में ये यहाँ एक मेन रेसिस्टेंस दिख रहा है डबल बॉटम की तरह, उसके बाद में तो ये तो लूज लूज हैं सारे जितने भी, तो ये एरिया से जस्ट नियर, अब अगर कोई यहाँ स्टॉप प्लेस करता है तो उसकी बजाय यहाँ भी प्लेस कर सकता है वो एक स्टेप पीछे, तो ये अपना पैनिक एरिया होगा, जस्ट इसके आसपास आया, सारा लिया और जैसे इसको ब्रेक किया तो विस्फोट, तो अपनी 20 रुपए की चीज 150 या 200 रुपए होने की संभावना रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि हमें हम इसको ट्रेक कर पाए। देखो मार्केट में ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनते पूरे दिन में, आप देखोगे तो कॉमन कॉमन कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और तो सब बकवास है, उन सब चीजों को छोड़ो, सब इसी के पार्ट बन जाएंगे, अगर आप फ्लेग बोलोगे या और कुछ बोलोगे वो जरूरी नहीं है, वेज पैटर्न मेन है और भी कई सारे, और छोटी मोटी अपन चार्ट पैटर्न देखते हैं जैसे एम शेप है ये हम देखते हैं, तो वहां अपने को बिल्कुल परफेक्ट वो प्लेस मिल जाता है जहां से हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। मैंने ये सुबह ही ये इमेज पोस्ट कर दी थी, मैं सोचा आप लोग समझ रहे हो, तो ये एरिया में और क्या चीजें हैं, देखो ये एरिया का हाई मारा था, ये एरिया का लो मारा था, ये अपना फिबो है, वैल्यूएबल प्लेस है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक एक ये देखो एक डिवाइडर आ रहा है, ये डिवाइडर किस चीज का है ये मैं नहीं बता रहा, पता नहीं किस चीज का, मैं ध्यान नहीं है लेकिन उस टाइम ध्यान था, तो कोई डिवाइडर आ रहा, उसी डिवाइडर के आसपास मतलब एक वैल्यूएबल एक रेंज आ रही है, मतलब एक प्लेस एक पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट पे हम कर सकते हैं, उसी पॉइंट पे मार्केट का रुकना होता है, ठीक है। और उसी पॉइंट से शायद ये कोई पीओसी बॉक्स होगा पीछे का, उसका शायद आया है ये, तो ये है ये एरिया को हम एम शेप, अपने को यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी मिल गया और ट्रैपिंग भी मिल गई और साथ में एक प्लेस वैल्यूएबल मिल गया, मार्केट स्ट्रेस है, ट्रिपल टेप वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं वो भी बैठ रहा है, तो मार्केट पूरी तरह से अपने फेवर में है, हम इस टाइम स्लॉट को यूज करेंगे, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच है, पुट की डिमांड ना हो कि कॉल की डिमांड ज्यादा है, तो हम पुट में डिमांड कर रहे हैं और वो भी गामा प्ले में, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी वेगा और थीटा का इम्पेक्ट ज्यादा हो चुका है, कौन सी साइड, पुट की साइड, ठीक है। तो हमारे फेवर में क्या होगा, थीटा भी हमारे फेवर में है उस टाइम, मतलब थीटा ऑलरेडी इसको खींच चुका है, अब थीटा लूज होएगा और वेगा हमारे लिए जब मार्केट चलेगा तो वेगा दूसरी साइड से, इस साइड का जो स्ट्रेच है वो मतलब लूज होने लगेगा, दूसरी साइड से प्रीमियम मिलने लग जाएगा, तो मतलब हर तरह से हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है उसको बोलते हैं गामा प्ले। यूट्यूब में कोई भी आपको इसके बारे में नहीं बताएगा गामा प्ले क्या होता है, लेकिन ये ओनली एक्सपायरी के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का गेम है, लोग यहाँ पे लाखों रुपये बनाते हैं इसी चीज में, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ते मिल जाते हैं और बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ते हैं, कोई भी आप स्टॉक उठा के देख लो डबल होने के लिए कई साल लगाता है, लेकिन ये चीज हर वीक होती है, हर वीक अपने को अगर स्मार्टली प्ले करें, अगर हम देखते हैं कि 52 वीक होते हैं, 52 एक्सपायरी हमें मिलती हैं एक साल में, आप अगर 10 बार भी या 12 बार भी इस चीज को अचीव कर लेते हो ना, तो समझ लो कि आपने 10-12 स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और अपना पैसा डबल ट्रिपल किया है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गामा प्ले। आज का मार्केट जो अभी रनिंग है, एक सेकेंड, ये है ये मार्केट, आज के मार्केट में मार्केट ने क्या क्रिएट किया, वही पैटर्न जो मैंने कहा, और मार्केट देखना कहीं भी एसएल नहीं खा रहा था, एसएल नहीं खा रहा, नीचे जाता जा रहा, स्ट्रेच हो रहा, और कम्प्लीटली
देखो ये क्लाइमेट स्कैंडल के साथ, क्लाइमेट स्कैंडल के साथ, लास्ट में भी क्लाइमेट स्कैंडल के साथ, यहाँ के आसपास भी मैंने कहा था देखो वेज कर रहे थे, ये आवाज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ के लगभग मतलब अगर आप ट्रेड ले सकते हो इसी पैटर्न पे, तो छोटे छोटे असल पे यहाँ भी मिल सकती है, लेकिन ये अपना एरिया वो नहीं है गामा प्ले का एरिया। गामा प्ले का एरिया हम देखते हैं 11 बजे के आसपास या बाद, उसके बाद 12 बजे के बाद 1-2 बजे के आसपास देखते हैं, ठीक है। जो अभी भी देखो टाइम पड़ा है वैसे तो, लेकिन अब कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो बताओ, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा एम टी एफ की, हम हमारी तैयारी कम्प्लीट है, एम टी एफ चार्ट पे भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बना, ये एम शेप बना, ये एम शेप, और एम शेप को ट्रेप किया गया। मैं थोड़ा सा उम्मीद कर रहा था और ऊपर आ जाए, लेकिन ऊपर नहीं आया। ये ट्रेंड लाइन बनी, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ट्रेप किया गया, मारा बाजू बनी और जस्ट उसके साथ में नीचे गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, इसी एरिया का सहारा लिया और मार्केट तेजी से नीचे गिरा। और ये अपना फीबो था, मैंने एक ट्रेड आपको शायद गामा प्ले की और भी भेजी थी, यहाँ भी मैंने ट्रेड किया लेकिन उसमें इतना प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। एक मैंने ट्रेड आपको शायद यहाँ की भेजी थी, यहाँ के आसपास एक ट्रेड ली थी और मैंने बुकिंग किया था जस्ट इसी कैंडल में, इस कैंडल में अपना ट्रिपल टेप पूरा नहीं, ये कैंडल में, ये वाली कैंडल में अपन ने बुक किया था। अब मैंने उसको कैसे यहाँ लगभग देखो, एक तो अपना इम्पोर्टेंट प्लेस आ रहा फीबो, दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, कोई बता सकता है कि दूसरी क्या चीज देख सकते हैं कि मैं इस कैंडल में शॉर्ट करूं? देखो एक स्पेस क्रिएट हुआ है, दिख रहा है, इसको बोलेंगे कवर जोन की दौड़, स्पेस क्रिएट हुआ। दूसरा मैं इससे रेफरेंस लूंगा, रेफरेंस क्या लूंगा, एसएल के बेसिस पे, ये एसएल कटे, ये एसएल कटे, ये एसएल कटे, एक लास्ट कैंडल दिख रही है मुझे यहाँ के बाद, उसके बाद में मुझे दूरी दिख रही है इस एरिया की काफी, लास्ट ये दिख रही है ना, उसके बाद में दूरी दिख रही है, तो मैं एग्जैक्टली अगर प्ले करूँ तो इस एरिया का अगर फ्यूचर में कटना हो तो मैं उसी जगह के आसपास कर सकता हूँ, इसके इसके बीच में, ठीक है, गोट एरिया के बीच में। तो यहाँ के आसपास हम क्या ले सकते हैं, गामा प्ले की बात कर रहा हूँ मैं, एक रेंट पे एक स्पेस, एक टाइम ले सकता हूँ कुछ देर के लिए, अगर नीचे जाएगा तो स्ट्रेच मार्केट है मेरा, ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं वो सस्ती वाली थी या कोई ऐसी चीज देखूंगा। अब जो मैंने आपको इमेज भेजी थी, एक सेकेंड, वो देखो ये वाली इमेज, ये मेरी बाइंग थी 92 रुपए पे, मेरा एसएल था 88 रुपए पे, मैं एसएल भी आपको दिखाऊंगा। अब आप इसको समझना कम्प्लीटली, रेट और टाइम सारी चीजें आएंगी इसमें। ये है 11:55:07 की बाइंग, ठीक है, क्वांटिटी छोड़ दो क्या है, मैं क्वांटिटी वैसे भी छोटी ट्रेड करता हूँ, बड़ी ट्रेड नहीं करता, 11:55:07, ठीक है, ये मेरी बाइंग थी। और काटने का प्लेस और देख लेते हैं अपन, रेट आपने देख ली 92 की रेट पे ली, और मैंने गामा का फायदा उठाया, 158 पे मैंने इसको काटा, बुक किया। मेरी साइज और भी थी, मैंने बीच में कुछ साइज और भी लोड आउट करी थी, दो साइज थी। अब यहाँ 12 मतलब 12 बजे वाली कैंडल के ऊपर अपन ने लगभग किया। तो अपन देख लेते हैं, ये वाली कैंडल है जिसमें मैंने बाइंग ली, ये वाली कैंडल 11:54 यही थी ना, 11:55 स्टार्टिंग में, और 12 वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल मुझे जहाँ तक याद है 11:54 है, 11:55 शायद ये स्टार्ट हुआ तभी मैंने ली है, और एग्जिट किया मैंने इसको 12 ये वाली। और मैंने क्यों एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जिट करने का एक रीजन है, ये वाला देखो एक ये लाइन आ रही है ऐसे करके, और जस्ट इस लाइन का ब्रेकआउट दिखता है, और जैसे ही ब्रेकआउट दिखता है और उसके पहले एक स्पाइक है, ठीक है, क्लाइमेक्स कैंडल है, ग्रीडी कैंडल है, तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट का चांस होता है, और उसी रिट्रेसमेंट पे अपने को जो बेटर डिमांड मिल रही है वो दोबारा नहीं मिलेगी, इस रेट पे भी नहीं मिलेगी, इस रेट के आसपास भी शायद नहीं मिलेगी, तो हम उसमें अपना बुक करना चाहेंगे। तो मैंने 92 पे लिया, शायद 150 कितने पे था ये, 158 पे मैंने इसको बुक कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ क्यों लिया, अब मैं यहाँ क्यों श्योर हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस दिख रहा है, एक स्पेस अगले ट्रेपिंग का मुझे स्पेस दिख रहा है, दूसरा मुझे सहयोग मिल रहा है मेन फीबो का, इसकी इंपॉर्टेंस रहती है, आप देखो इसके आसपास की एरिया की वैल्यू। फिर तीसरी चीज मुझे क्या मिल रही है, अपन जीआईए में क्या बोलते हैं, ये ग्रीड है, ये उसका इम्पेक्ट है, यही तो जीआईए होता है, जो स्पेस का यूज करके मार्केट इस चीज का प्रभाव। देखो यहाँ कोई सेल करता है ना, वो थोड़ा सा डरता है कि उसका एसएल यहाँ गया, यहाँ गया,
अगर यहाँ कोई सेल करता है वो नहीं डरता, उसका एसएल यहाँ है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, और मार्केट पिछले एसएल खाने के चांसेस भी लगभग गए, यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास जिसके एसएल थे वो खा चुका है, तो एक स्पेस हम खरीद सकते हैं। अब वो स्पेस हम यूज करके मार्केट में एक क्विक स्केल्पिंग कर सकते हैं, गामा प्ले कर सकते हैं। तो ये वाले में अपना जीआईए का छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, और एक्सट्रीमली ग्रीड दी गई है, ये बड़ी से बड़ी कैंडल है, बड़ी से बड़ी कैंडल है, और ग्रीड भी दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट जस्ट पलटा है। तो अपने मेरे लिए यहाँ एसएल मात्र क्या था, मैं बताता हूँ, एसएल भी आपको अगर मेरा दिखाना हो तो मैं एसएल भी एक सेकेंड के लिए दिखा सकता हूँ। कहाँ गया, शायद कोई इमेज मैंने सेव करी थी, ये होगी, ये देखो। अब इस इमेज में आप देखना, आपको मिल जाएंगे, देखो यहाँ मैंने 92 पे किया था, 88 मेरा एसएल था। जब मैं अगली ट्रेड काट रहा था तो मैंने ये एसएल हटाया और मैंने इसको बुक किया, क्योंकि एसएल नहीं हटाऊंगा जब तक मेरा बुक नहीं होगा। 92 पे लिया 88, यानी कि मेरा 3 से 4 पॉइंट का एसएल था, और उसके अगेंस्ट में ये अपना प्रॉफिट अपने को मिला है। ठीक है, कुछ मैंने बीच में ही 101 के आसपास बुक कर ली थी, और कुछ मैं ट्रेल करके ले गया 158 पे। ठीक है, अब इसको लेके किसी को कोई सवाल कुछ पूछना हो तो बताओ, ये पूरा गामा प्ले कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी को भी कोई सवाल है, नहीं तो फिर मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ।